क्या नाम है आपका? जहांगीर। रात में ना 12:59 पे हमको आया था 12,988 रुपए आया था जी। एक सेकेंड नाम भी देख लेते, बताइए जरा कितना आया था। एक सेकेंड जी। कितना आया था, कितना भेजे थे? 12,988 रुपये। 12,988 रुपये। भैया ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिए, और कोई रहेगा तो पैसा रिटर्न भी नहीं करेगा, ठीक है? रात भी आया था सर, भैया को आपने कहिए कि मतलब गलत लैंग्वेज यूज नहीं करे। अगर अब देखिए ऐसा है कि रात में आप 12 बजे कॉल कर रहे हैं, कोई सोया हुआ है? कोई बात नहीं है, देखिए आपका पैसा बुरा नहीं है, हम आपको देखिए हम खुद आपको कॉल किए कि अपना पैसा ले लीजिए। बताइए नंबर, बताइए किसे भेजना है, बताइए। 7600-68-68-64-04-04-04-02 फिर भैया आराम आराम से, टेंशन नहीं लेना है। मोहम्मद जहांगीर है ना? जी जी। चलिए इसमें हम 12,988 रुपया आपका भेज रहे हैं, एक्यूरेट पैसा भेज रहे हैं, थोड़ा सा भैया संभल के। कोई बात नहीं भैया, ये शाम हम लोग से भी होता है, इसी कारण आपको हम देखिए चेक करिए, अमाउंट चेक कीजिए, 12,988 है, भेज दिए हैं। चला गया है पैसा, चेक है। चलिए ठीक है, देख लीजिए आपका भेज दिए हैं, ठीक है? ठीक। ये कोई भाई हैं, इनका जो है रात में हम लोग ऐसे काम कर रहे थे, 11:59 पे हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि 12,988 रुपये क्रेडिट हो गया है। हम चेक किए, देखे जहांगीर के नाम से वो मैसेज आया हुआ था, और जब अकाउंट चेक किए तो जेन्युइनली पैसा आ गया था। वो उनका एक जो आदमी का पैसा आया था, उसका जो भी बात करता था, उसका एक बड़ा भाई था, वो बात कर रहा था हमारे छोटे भाई से, वो बहुत अजीब लैंग्वेज में बात कर रहा था, क्योंकि मतलब पैसा दे दो, ये वो फलानी राम केस वगैरह करेंगे जैसा कुछ, मतलब केस नहीं कंप्लेन करेंगे। रात का दिन का समय था, हम लोग ये इग्नोर कर दिया। अभी सुबह उठे तो हमको ये बताया कि भैया ऐसे से बात है, उससे हम अभी उसका नंबर, जिस नंबर से कॉल आया था उस पर बात किए। वो बेचारा बहुत ही ट्रीट से अच्छे से बात कर रहा था, और अभी उसका जो है हम उसको बोले कि पैसा आपका हम रिटर्न कर देते हैं। देखिए उसका 12,988 रुपया था, आया था, उसको हम बिल्कुल उसके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आमतौर पे जिस तरह से हमको लगता है कि वो हार मान गया था, कॉल बैक किया है, फिर से सुनने पर बात कर लेते हैं। जी भैया बोलिए, क्या आ गया ना? ठीक ठीक है, ठीक धन्यवाद, ठीक है ठीक। तो इस बेचारे का पैसा आ गया था, देखिए पैसा ये हम रख भी सकते थे और बहुत आसानी से रह सकते थे, और ये कुछ नहीं कर पाता, लेकिन पता नहीं क्या है कि अंदर से किसी का पैसा रखने का हिम्मत नहीं होता है। एक टाइम के लिए मन में आया था कि पैसा रख लिया जाए, लेकिन देखिए आप आज किसी का पैसा रख लीजिएगा, कल को जो है ना किसी आपके साथ ऐसा फेर लग सकता है। हमारे साथ ऐसा हुआ है, और हमने किसी का पैसा रखा भी नहीं आमतौर पर। 12,000 रुपये मैटर नहीं करता है, 12,000 रुपये आप ऐसे भी हम कमा सकते हैं, और हमारे लिए कमाना 12,000 रुपये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। किसी का मैट का पैसा था, और वो अभी भी जब हम कॉल किए तो वो लोग आपस में ही गाली गलौज कर रहे थे पैसे को लेकर, हमको लगता है मैटर चल रहा होगा। अभी हम शायद 12,988 रुपये भेज दिए हैं, शायद वो अच्छा फील कर रहा होगा, और शायद उसका घर का जो भी मसला वगैरह होगा वो सॉल्व हो गया होगा। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी UPI का ज़माना है, एक नंबर भी मिसमैच होता है तो पैसा इधर से उधर हो जाता है, तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ना हो, आप उसको हेल्प कर दें, ताकि उसको जैसे भी हमने रिटर्न कर दिया तो बहुत अंदर से खुश होगा, और कहीं ना कहीं उसको अच्छा फील हो रहा होगा। यही था, ये रात का घटना था, 12:59 में मुझे अकाउंट में पैसा आया था। रात में उसने कॉल भी किया हमारे भाई के नंबर पर, हम लोग ने रिस्पॉन्स सही से नहीं किया। सुबह उठे उसको रिस्पॉन्स किए, अभी उठते ही देखिए अभी हम कुछ भी नहीं, फ्रेश भी नहीं हुए हैं बिल्कुल, उठे हैं, PC खोले हैं, डिटेल चेक किए हैं, उसका नंबर निकाले, नंबर निकालने के बाद डिटेल उस पर जो है देख ली, उससे बात की, हर एक बात पूछे, उसके बाद उसको पैसा रिटर्न कर दिए। होपफुली
आपको ये मेरा जो भी हम कर रहे हैं, कल एक फ्रॉड वाला कॉल कर पे बात कर रहे थे, आज एक दूसरा फोन पे बात कर रहे हैं, 13,000 का बेनिफिट था, लेकिन एक इंसानियत के नाते इस बेनिफिट को नहीं देखना चाहिए लोगों को। आप भी नहीं देखिए, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मत देखिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सही लगा होगा, बस एक ब्लॉगिंग के तौर पर बना लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।